हाय बच्चों पाड़ी वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल शिप्रा मिश्रा दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू आई होप आपका दिन काफी अच्छा गया होगा आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि हम जुलाई के महीने में आ चुके हैं और आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मंथ आपके लिए है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और आपने ऑलरेडी ये वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर मैंने आपको पूरा इम्पॉर्टेंस बताया एंड इनफैक्ट ये भी बताया कि कैसे आपको जुलाई में या जुलाई का सबसे बेस्ट यूज करना है अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आज की हमारी इस क्लास को शुरू करें जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हमारे चैप्टर नंबर वन द लास्ट लेसन को पूरा फुल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है विद द वर्ड मीनिंग्स इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से मुझे बता दो कि क्या मैं ऑडिबल एज वेल एज विजिबल हूँ क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या आप मुझे देख पा रहे हो ओके अर्पित हाई गोल्डन हाई रुपेश हाई म्यूजिक लवर हाई ऑलवेज हाई काजिम इंग्लिश कैसे स्टार्ट करें आज से शुरू करते हैं साथ में पढ़ते हैं और आपको ये जरूर प्रॉमिस कर सकती हूं कि आप इंग्लिश मेरे भरोसे छोड़ सकते हो मतलब आपको इतना इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो मैं ध्यान रख लूंगी इसका हाय राजेश हाय महिमा हाय यश हाय विभांकर गुड इवनिंग हाय नमन ओके हाय अंश वाओ दूसरे आज थैंक यू सो मच प्लीज मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हाय आदित्य हाय श्याम हाय कोमल हाय काजिम हाय कपिल हाय वैष्णवी कैसे हो परमेंदर हाय रुपेश हाय राजेश थैंक यू प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा हाय कपिल हाय गीतांजलि हाई द्विवेदी विकास ओके हाय विकास मैं अच्छी हूं आप कैसे हो यमुना डोंट वारी हम लोग एन टी रीडिंग भी लगाने वाले हैं आज की क्लास अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं मतलब आज आप पूरी क्लास में अगर आप बैठ जाते हैं तो आपको द लास्ट लेसन ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि दिमाग पे छप जाएगा आपको इसके बाद में पढ़ने का जरूरत नहीं है आप स्ट्रेट अवे टेस्ट दे सकते हो चेक कर सकते हो कि मुझे कितना याद हुआ है एंड लिटरली यूटीज पीटीज जो भी आ रहे हैं हाफ एलिज बोर्ड सबके लिए प्रिपेयर हो जाओगे ये मैं आपको जरूर वादा कर सकती हूँ बट आपको भी एक छोटी सी हेल्प मेरी करनी है सबसे पहले सेशन को शेयर कर दो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो सबको बोल दो कि सब लोग आ जाइए क्योंकि आज हमारी क्लास है द लास्ट लेसन की एक्चुअली मैंने बहुत uh, जल्दी ये बना दिया और uh, काफी लेट शेयर किया मेरी बुरी आदत है ये तो so, आपको इसमें मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी प्लीज कॉल एवरी वन टेल एवरी वन दैट वी आर रीडिंग द चैप्टर द लास्ट लेसन सो दैट एवरी वन ज्वाइंस ओके थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कपल ऑफ थिंग्स सबसे पहले आज ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है द लास्ट लेसन का आपने इस तरीके से लिटरेचर पहले शायद ही पढ़ी होगी आपको ये जो सेशन है ये मैं पूरी कोशिश करूँगी कि होलसम लगे इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो इसके साथ में अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैंने मेरी किताब का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर जाकर आप वो चेकआउट कर सकते हैं दूसरी चीज़ मैंने आपके लिए फ्री टेस्ट प्रिपेयर किया है जिसका लिंक अभी अपडेट होना बाकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको डाल दूंगी और फिर मैं कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर दूंगी जैसे ही मेरे पास लिंक आ जाएगा जिसमें जाकर आप चेक कर सकते हो कि आज आपने जो लास्ट लेसन पढ़ा उससे आपने कितना सीखा और इसके साथ में आपको आपका स्कोर भी मिल जाएगा जो आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप कॉमेंट सेक्शन में डालोगे प्रॉमिस करो ठीक है इसके बाद में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डाल दिया है जहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे ठीक है तो आपको लास्ट लेसन के नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है वो भी मैं बना के आपको दे दूँगी ये सारी बातें अब मैंने आपको बता दी हैं तो चलो फिर इसी बात पे आज के सेशन को शुरू करते हैं आपको तो पता ही है जब भी हम सेशन शुरू करते हैं जब भी किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ऑथर जी का नाम लेते हैं हमारे आज के इस चैप्टर के ऑथर है ऑलफोन्स डॉडेट कौन है ऑलफॉन्स डॉटेट तो जल्दी से ऑल्फॉन्स डॉट एट ओपी कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से ओपी कर दीजिए बिकॉज उन्होंने इस खूबसूरत से चैप्टर को लिखा है देखो यार ऑथर क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या मेरे को ऑथर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या हाँ देखिए ऑथर इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ऑथर कुछ मटेरियल लिखते हैं तो वो अपनी छाप उसमें छोड़ते हैं जब आप ऑथर को बहुत अच्छे से जानते हो आप उनके बैकग्राउंड को अच्छे से जानते हो तो आप कहीं ना कहीं उस चैप्टर को ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो जैसे कि ऑल्फॉन्स डॉट एट पे आपको ज्यादा बेटर तरीके से फ्रेंको प्रशियन वॉर के बारे में बता पा रहे हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड वहां से आता है दूसरी चीज अगर आप ऑल्फॉन्स की राइटिंग को समझते हो उनकी स्टाइल को समझते हो तो उनकी कहीं कहीं सारी बातें चैप्टर के अंदर आप अच्छे से इंटरप्रिट कर सकते हो ठीक है एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं क्या जी बिल्कुल आते हैं ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा के नहीं दे दिया जाएगा कि अरे बताओ ऑल्फॉन्स डॉडेट का जन्म कब हुआ ऑलफोंस डॉडेड की मृत्यु कब हुई नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑथर कौन है दूसरा आपको खुद आगे से लिखना चाहिए अपने आंसर्स के अंदर ऑथर का नाम तीसरा हो सकता है आगे से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए ऑथर की राइटिंग स्टाइल पे, ऑथर की हिस्ट्री एज एन बैकग्राउंड पे और ऑथर के कनेक्शन पे चैप्टर के साथ में कुछ ये चैप्टर्स कुछ एक पोम्स के अंदर ये काफ़ी एविडेंट होता है जैसे कि कुछ एक ऐसे पोम्स के पोएट्स होते हैं जो बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं अपनी पोम्स के साथ में तो वहां पर ये क्वेसन सबसे ज़्यादा बनते हैं जैसे कि आर्न जेनेफर्स टाइगर अभी वहाँ तक हम पहुंचे नहीं है आज के लिए आप बस इतना जान लीजिए द लास्ट लेसन के जो ऑथर है वो है ऑल्फोंस डॉडेट और वो यहाँ पे फ्रैंको प्रशियन वॉर के एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं इस चैप्टर द लास्ट लेसन से ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये फ्रैंको प्रशियन वॉर का बैकग्राउंड लेता है दैट मीन्स आपको यहाँ पे वो वॉर से आने वाला प्रेडिकमेंट ह्यूमन प्रेडिकमेंट जो है वो देखने को मिलेगा क्या होता है जब वॉर होती है ना तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दो देश लड़ रहे होते हैं सिर्फ उनकी आर्मीज लड़ रही होती है ऐसा नहीं होता है वॉर के अंदर ना तो सिर्फ दो देश लड़ते हैं आर्मी लगती है पूरा का पूरा देश लड़ता है जो भी जो भी रिजल्ट निकलता है चाहे आप हारो चाहे आप जीतो जो कॉमनर्स होते हैं जो आम जनता होती है वो तो हारती ही है चाहे वो प्रॉपर्टी का लॉस हो लोगों का लॉस हो अपनी आइडेंटिटी का लॉस हो कल्चर का लॉस हो कुछ भी हो ऐसा उनके साथ हमेशा होता है और उसी का एक एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास में हमारे चैप्टर द लास्ट लेसन में ठीक है एकदम बैकग्राउंड सबको क्लियर हो गया है ऑल राइट चलिए फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं हम्म अभी एक एक पूरा पढ़ते हुए शुरू करेंगे ये हमारा पेन आई for स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड was इन ग्रेट ड्रेड ऑफ a स्कोल्डिंग यहां पे सबसे पहली बात हमने देख ली है कि ऑथर कौन है ऑल्फोन्स डॉट है फिर हमारा जब चैप्टर शुरू होता है तो हमारे पास में आय आ जाता है दैट मीनस इस चैप्टर में नरेटर का रोल भी कोई प्ले कर रहा है अब ये नरेटर कौन है वैसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर आपका ऑथर और नरेटर सेम ही हो पर इस चैप्टर के अंदर आपके ऑथर है ऑल्फॉन्स डॉडेट और आपके नरेटर है फ्रांस कौन है फ्रांस एफ आर ए एन जी फ्रांस एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसे आप नोविता समझ सकते हो मतलब जैसा नोविता है ना एग्जैक्टली exactly वैसा ही है फ्रांस पढ़ाई में एकदम बुद्धू और उसको बिल्कुल भी मन नहीं लगता पढ़ाई में उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ठीक तो है, है तो यहां जो आई है ये है तो फ्रेंड्स अपनी कहानी बता रहा है हमारे साथ में शेयर कर रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है आई for स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग मैंने स्कूल की शुरुआत या मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ था या मैं स्कूल के लिए निकला था उस सुबह बहुत ही लेट मैं बहुत ही लेट हो गया था उस दिन स्कूल जाने के लिए एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग जब आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हो तो कितना ज़्यादा डर लगता है ना कि आज तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी सबसे पहले तो स्कूल पे जाते ही पीटी सर रोक लेते हैं और उसके बाद में अगर आप क्लास तक कैसे जैसे बचते बचाते पहुंच जाओ तो क्लास टीचर नहीं छोड़ने वाली हैं ऐसा ही उसके साथ भी था वो लेट हो गया था इसीलिए उसे क्या लग रहा था ग्रेट ड्रेड यानी डर उसे डर लग रहा था, लग रहा था। किस चीज का डर लग रहा था कि उसे पढ़ने वाली है। स्कोल्डिंग का मतलब क्या होता है, तो उसे पढ़ने वाली है। इस वजह से वो भाग तो रहा था स्कूल की तरफ जा तो रहा था पर डरा हुआ था सहमा हुआ था स्पेशली बिकॉज एम एम एल हेट सेट दैट ही वुड क्वेश्चनिपल अब यार एक बात तो यहां तक ठीक थी कि अभी वो स्कूल के लिए लेट हो गया था तो आज जब वो क्लास के अंदर जाएगा तो उसकी स्पेशल आरती उतारी जाएगी और हे hey फ्रेंड्स आओ बेटा हाँ बट इसके ऊपर से क्या हुआ आज उसका एक टेस्ट भी होने वाला था आज क्लास में एक वर्बल टेस्ट होने वाला था जहाँ पे एम एम बच्चों से रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पूछने वाले थे अब वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस पूछने वाले थे और हमारा फ्रेंड्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम मुझे एक शब्द नहीं आता था उनके बारे में मुझे पार्टिसिपेंट्स का एक शब्द नहीं आता था इसलिए ऐसा होता है ना कि हम सैटरडे संडे एकदम वीकेंड एकदम बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं खूब चिल करते हैं ना जैसे हमारे पास में तो कोई मतलब कुछ काम ही नहीं है और फिर उसके बाद में जब हम स्कूल जाते हैं पता नहीं सडनली जैसे ही हम स्कूल जाते हैं और स्कूल के रास्ते में होता है भगवान जाने ये ये होमवर्कस के आते जाते हैं ओ गॉड हिंदी की कॉपी भी रह गई मुझे तो उसका होमवर्क करना था गॉड वो असाइनमेंट आज सबमिट करना था मैम जान से मार देगी हमेशा ऐसा होता है बेचारा एक तो लेट हो गया उसके ऊपर से उसे डर लग रहा है कि क्योंकि मैं लेट हो गया मुझे डांट पड़ने वाली है एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट वो अभी पढ़ के भी नहीं आया है पार्टिसिपल्स और रास्ते में याद आ रहा है उसे इस टाइम पे वो कुछ नहीं कर सकता उसने कहा आज तो मैं गया आज मेरा मरना निश्चित है कोई नहीं बचा सकता मुझे For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं क्योंकि स्कूल जाने तो मौत के बराबर है क्योंकि आज तो एम एम एल को दो दो मौके मिल जाएंगे मुझे मारने के मैं पिटने वाला हूं आज तो ऐसे में दिमाग में एक ही ख्याल आता है बंग क्यों ना बंग कर लूँ भाग ही जाऊँ स्कूल से मैं जाऊँ ही नहीं घर वापस जाऊँगा तो मम्मी मारेगी और स्कूल जाऊँगा तो एम एम एल तो खूब मारने वाले ऐसा करता हूं जाता ही नहीं हूं स्कूल ही नहीं जाता बंक कर लेता हूं तो इसीलिए एक मिनट के लिए उसने सोचा रनिंग अवे यानी कि बंक कर लेता स्पेंडिंग डे आउट ऑफ डोर्स और बाहर आराम से आराम से अपने दिन को बताता हूं क्या करना है स्कूल जाके ए नोबिता वाली वाइफ इट वाज़ सो सो ब्राइट द बर्ड्स वर चर्पिंग एट दर्ड एंड इन दिन बैक ऑफ द सॉ मिल प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग बोला देखो ना आप खुद देखो मतलब कभी कभी तो क्या है ना ऐसा होता है कि अभी ऐसा इतना बढ़िया मौसम हो रहा है बारिश का, उसके आप काम करोगे तो ऐसा लगेगा ना कि ओ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों ऐसा ही उसके साथ था. क्या होता है जब कुछ देश ऐसे होते हैं या फिर कुछ स्टेट ऐसे होते हैं अब देखो मैं तो राजस्थान से हूं तो हमारे यहाँ पे बारिश जब होती है ना तो हम लोग सब ऑलमोस्ट मेंढको जैसे हो जाते, जाते हैं क्योंकि हम बहुत खुश हो जाते हैं जब बारिश होती है ड्राई स्टेट है सेबी एरिएड एरिया है पानी देखते हैं अच्छा इन्वायरमेंट देखते हैं थोड़ा एटमोसफियर एकदम खुशनुमा हो जाता तो मज़ा आता है अब ऐसा ही कभी कभी ऐसे स्टेट्स मान लो या ऐसे कंट्रीज मान लो जो हमेशा ठंडे रहते हैं या फिर जहाँ पर हमेशा बारिश हो रही होती है अब ऐसे वाले स्टेट्स जो होते हैं उनके अगर कभी एकदम उन्होंने सनलाइट के दर्शन हो जाए एकदम सनी ब्राइट डे के दर्शन हो जाए तो उन्हें मज़ा आ जाता है उनके लिए वही दिन बहुत अच्छा होता है ऐसा ही कुछ फ्रांस के साथ था आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि आज कितना अच्छा एकदम यू नो नर्म दिन था कितना अच्छा दिन था ब्राइट दिन था आज तो बस सूरज दादा के दर्शन हुए थे उसके ऊपर से बर्ड्स व चॉपिंग बर्ड्स भी ची 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 कर रही थी मैं आपको बता दे रही हूँ जिस इंसान को पढ़ना नहीं होता ना ये सब कुछ उसके बहाने होते हैं यूजुअली जब आप इंस्टा विंस्टा चला रहे होते हो तब आपको चींची चींची -ची नहीं सुनाई देती बट जब आपको यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी होती ना तो आप हर चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हो ये चीटियां कितनी मेहनती है यार कितनी मेहनत करती हैं ये <laughs> क्योंकि आपको टाइम पास करना है सिर्फ वही यहाँ पे था क्या बर्ड्स भी चॉप कर रही थी चॉप क्या है चींची चींची करना उनकी आवाज है आपको पता है चॉपिंग के अंदर एक लिटरी डिवाइस भी मौजूद है और वो लिटरी डिवाइस है ऑनोमेटोपोया ये एक ऐसा लिटरी डिवाइस है जो साउंडिंग वर्ड्स के साथ अटैच्ड होता है जब भी किसी साउंड को हम शब्द दे देते हैं जब भी किसी साउंड को हम शब्द दे देते हैं तो उसे हम ऑनो हमारा प्यारा ऑनो कहते हैं चौपिंग एट द वुड्स पेड़ों पर बैठ के चीची, चीची चीची द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल अच्छा इसके साथ साथ में जो ओपन फील्ड था जो खुला मैदान था बैक ऑफ द सॉ सॉमिल क्या है सॉ सॉमिल क्या है एक फैक्ट्री है फॉर कटिंग वुड एक फैक्ट्री है जहां पर लकड़ी काटी जाती है तो बोला एट द बैक ऑफ द सॉ मिल जहां पर लकड़ी काटी जाती है वहां पे यू नो खुले मैदान के अंदर प्रशियन सोल्जर्स व ड्रिलिंग प्रशिया के सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्टिविटी कर रहे थे एक दो एक दो एक्टिविटी कर रहे थे एक्सरसाइज कर रहे थे ठीक है अब देखो मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रैंको प्रशियन वॉर के अंदर इसका बैकग्राउंड सेट है क्या होता है जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर जीत हासिल कर लेती है तो वो अफकोर्स वहाँ पर अपने लोगों को भेजती है अब कुछ कंट्रीज ऐसा जीत हासिल करने की बात करती है और कुछ कंट्रीज जो है वो दूसरों को कॉलोनी बना लेती है जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया के साथ किया और बहुत सारे और कंट्रीज के साथ भी अब जैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर आकर हम पर ही हुकूमत करने लग गए थे ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था यहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स इनके एरिया के अंदर ड्रिल कर रहे थे एक्सरसाइज कर रहे थे जो कि हमें क्या बताता है कि प्रशिया जो है वो इस एरिया को जीत चुका था क्योंकि प्रशिया इस एरिया को जीत चुका था तो यहां पर सोल्जर्स ला दिए गए थे सोल्जर्स लागू हो गए थे और ये सोल्जर्स यहां पर एक्सरसाइज इसके लिए कर रहे थे ताकि इस एरिया को बार बार ये चीज याद दिलाई जा सके कि अब ये प्रशिया के हो चुके हैं एक बच्चा इतनी गहराई में नहीं सोचता क्योंकि उसे तो बंक करने से मतलब था उसे लग रहा था कितना बढ़िया एंटरटेनमेंट होगा अब उसके पास कहां सब कुछ मौजूद था इसके लिए वो आराम से वो सोच रहा था मेरा एंटरटेनमेंट होगा यार इतना बढ़िया सनी डे है ठीक है इतनी ज्यादा ऐसे चींची चींची आवाज आ रही है बर्ड्स को देखूंगा इन लोगों को ड्रिल करते हुए देखूंगा मजा आएगा ऐसा उसने सोचा इट वॉज ऑल मच मोर रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स बट आई है स्ट्रेंथ टू स्कूल ये सब कुछ इट वॉज ये सब कुछ बहुत ज्यादा tempting था बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाला था ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाला था एक तरफ अपनी तरफ खींचने वाला था ये सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस मैं तो ये चाहता था कि बस मैं तो यहीं रुक जाऊँ मैं जाऊँ ही नहीं स्कूल पर देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स वो घटिया रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स से तो ये दिन कितना बढ़िया था यार मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगा रूल्स ऑफ तो पार्टिसिपल्स पढ़ के पर बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट बट हमारा फैंस सख्त बहुत था उसने डिसाइड किया उसने बोला नहीं, नहीं 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 मैं स्कूल बंक नहीं कर सकता मैं स्कूल बंक नहीं करूंगा मैं स्कूल तो जाऊंगा उसके अंदर स्ट्रेंथ यानी ताकत थी टू रिजिस्ट यानी किसी चीज को पुश करने की अपने से दूर करने की तो उसके अंदर ये ताकत थी कि जो टेम्पटेशन आ रही थी जो लालच आ रहा था उसे वो पुश कर दे अपने से दूर कर दे एंड हरीड ऑफ टू स्कूल हरीड ऑफ का मतलब क्या होता है वो तेजी से भागा स्कूल की तरफ क्योंकि अब वो और लेट नहीं हो सकता था When आई पास द टाउन हॉल देर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन board. अब मैं वहां से भाग रहा था तो मैंने देखा एक टाउन हॉल अब आपको पता है बच्चों जो टाउन होते हैं ऐसे यू नो कॉलोनीज होती हैं, विलेजेस होते हैं उनके अंदर ना एक एक बीचो बीच एक बरगद का पेड़ होता है और उससे जुड़ी हुई होती है कहानियां हाँ। anyway, so बीच हो वहां पर सारे के सारे सीनियर्स बैठ जाएंगे और वो सारे लोग बैठकर आराम से पूरी पंचायतियां करेंगे और कमाल की बात ये है कि जब पंचायती राज आया भी नहीं था तब भी पंचायत होती थी खैर वो लोग आराम से बैठेंगे और बैठकर आराम से डिस्कशंस करेंगे क्या हो रहा है लाइफ के अंदर कौन क्या कर रहा है सारे सोल्यूशन निकाले गए सारा काम बस उन्हीं का था तो यहाँ पर भी ऐसा ही था यहाँ एक बरगद का पेड़ तो नहीं था एक टाउन हॉल था एक ऐसा एरिया था जो शायद बीचों बीच था जहां पर सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो गए थे और ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए थे बुलेटिन बोर्ड के सामने अब क्या होता था उस टाइम कम्युनिकेशन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जैसा कि आज है कि ठीक है एक व्हाट्सएप मैसेज के आगे लिख दो कि इसे फॉरवर्ड नहीं किया तो दस साल का पाप पड़ेगा <laughs> तो सारे लोग उसे फॉरवर्ड कर देंगे इतना खतरनाक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था इसी वजह से लोग क्या करते थे कि अगर पर्सनली किसी से बात करनी होती थी तो चिट्ठियां भेज दिया करते थे और अगर यू you नो know, मास लेवल तक किसी को कोई चीज़ पूछानी होती थी तो यूजुअली ये गली मोहल्ले गांव के अंदर वो क्या करते थे एक बुलेटिन बोर्ड जो कि ऑलमोस्ट एक नोटिस बोर्ड के समान था उसके ऊपर जो भी कम्युनिकेशन uh, होता था उसे अटैच कर दिया करते थे अब लोग क्या करेंगे आराम से वहां आएंगे आकर उसे पढ़ेंगे और उनको उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये जो बुलेटिन बोर्ड था इस बुलेटिन बोर्ड के सामने काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी जो कि ये बताता है कि आज कोई तो खबर आई थी फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वट कैन बी द मैटर नाउ बोला पिछले दो सालों से ये इतना मनूस है ना ये बुलेटिन बोर्ड पिछले दो सालों से सारी बुरी बुरी खबरें यहीं से आ रही है सारी बुरी खबरें बस इसी बुलेटिन बोर्ड से आती है आप देख लो जब भी मान लो कोई लॉस्ट बैटल्स की बात होती है अगर हम हार जाते हैं तो उसका कम्युनिकेशन इस बुलेटिन बोर्ड पे आता है ठीक है कोई भी ड्राफ्ट होता है कोई कमांडिंग ऑफिसर्स का ऑर्डर होता है ये सारी की सारी चीजें किसके लिए ये सारी चीजें कहां पर चिपकती है इस बुलेटिन बोर्ड पर चिपकती है क्योंकि क्या होता है जैसे मान लीजिए यूरोप प्रशिया क्योंकि ऑफकोर्स इस एरिया को जीत चुका है अपने सोल्जर्स को अपने लोगों को आ, बताने के लिए कि अभी यहाँ के लोगों के साथ क्या करना है या कैसे ट्रीट करना है है या क्या चीज यहां लागू करनी है वो बहुत सारे ड्राफ्ट और ऑर्डर्स पर भेजते हैं जो भी इस बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाए जाते हैं जो उनके लोग तो पढ़ते हैं बट उनके साथ में गांव वाले भी पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला कि सारी खबरें जो है ये बुरी बुरी खबरें इस मनहूस बुलेटिन बोर्ड से आती हैं और इसीलिए आई थॉट टू मैंने मैंने सोचा मैंने सोचा बिना रुके रुका नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि उसको पता है रुक नहीं सकता वो बिना रुके अभी भागे जा रहा है और भागते भागते सोच रहा है कहता यार अब क्या हो गया अब क्या कांड हो गया अब क्यों आ गई ये क्या अब क्या आया है अब क्या हार दिया हमने इतना सब तो हार चुके हैं वो ये सोच में पड़ गया कि अब क्या मैटर हो सकता है क्योंकि आज तक तो यही मैटर्स यहां पर आए जा रहे हैं अब यार फ्रेंड्स यहां पर रुका नहीं था इसलिए क्योंकि इसको एग्जैक्टली exactly पता था कि यहां पर कोई खुशखबरी तो आने से रही आज तक सारी जितनी बुरी खबरें हैं वो इस बुलेटिन बोर्ड से आई है तो आज भी कोई नई बात नहीं है आज भी कोई बुरी खबर ही यहां से आई होगी ठीक है तो उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था एंड दैट इज वाई ही वॉकिंग वो चलता रहा आराम से ओके देन एज आई है ब्लैक स्मिथ वॉचर हु विद एपट रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी टर्न गो फास्ट वर्क भागे जा रहा था जल्दी में, जितना जल्दी हो सकता था as fast as I could go, मैं जितना जल्दी भाग सकता था मैं उतना जल्दी भाग रहा था तो इतने में वहां पर एक ब्लैक स्मिथ था एक लोहार था जिसका नाम था वॉचा जो वहीं पर बुलेटिन बोर्ड के पास में खड़ा हुआ था विद हिज एप्रेंटिस अपने ट्रेनिंग के साथ में आपको पता है बहुत सारे ऐसे काम होते हैं स्किल वाले काम होते हैं जो कि आपको एक्चुअली फील्ड पे जाकर ही सीखने पड़ते हैं आप थेटिकली नहीं सीख सकते तो आपको इसके लिए ऐसे लोग जो किसी काम में एक्सपर्ट है उनके पास में बैठ ही या उनके साथ में रह ही सीखना पड़ता है ऐसे वाले जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं अगर आप ऐसे में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप एक ट्रेनी है और आपका एक स्पेसिफिक नाम है वो है एप्रिंटिस तो आपको एप्रिंटिस बोल सकते हैं राइट right, तो यहाँ पे उन्होंने बोला वो अपने छोटू के साथ में था बेसिकली छोटू है ना ऐसा होता है कभी हम इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन भैया के साथ में छोटू भैया आते हैं ना उनको भी हम ये बोल सकते हैं ट्रेनिंग अब वो भी वहां पर बुलेटिन पढ़कर आए थे उन्होंने कॉल्ड आफ्टर मी मुझे आवाज लगाई कॉल्ड आफ्टर मी मतलब आवाज लगाई टोन गो सो फास्ट बब अरे बेटा इतनी जल्दी मत जा यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेटी ऑफ टाइम तेरे पास अभी बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए तो बब बेसिकली आप किसी भी दोस्त को कह सकते हो किसी भी नोन को प्यार से बोल सकते हो तो उन्होंने बोला अरे बेटा इतना जल्दी मत जा तेरे पास अभी खूब टाइम है स्कूल जाने के लिए न जाने ऐसा क्या पढ़ा था उन्होंने इस बुलेटिन में कि यहां पर उन्होंने ये बात कही कि मेरे पास खूब टाइम है प्लानिंग का मतलब क्या होता है खूब तो बोला मेरे पास खूब टाइम है ये क्या था मतलब क्यों बोला था उन्होंने तो यहाँ पर एकदम से जैसे फ्रांस ने उनकी बात सुनी उसके दिमाग में कुछ थॉट आया I thought he was making fun of me and reached M. Hemmel's little garden all out of breath. फ्रांस कहता है ये पागल हो गई है क्या? मैं स्कूल के लिए इतना लेट हो चुका हूँ, कितना ज़्यादा मेरा स्कूल का टाइम निकले जा रहा है और कह रहे हैं आराम से जाऊँ, मेरे पास खूब टाइम है, तो मैं मज़ाक बना रही हूँ क्या मेरा? हाँ? ऐसा सोचा और ये सोच के साथ में भागते भागते हफ्ते हफ्ते एम एम एल के गार्डन तक पहुंचा। ये एम एम एल का गार्डन क्या है एम एम एल का गार्डन एक्चुअली उनका स्कूल ही है ठीक है तो अपने स्कूल में पहुंच गया था ये एम एम एल कौन है ये एम एम एल हमारे प्यारे फ्रांस के टीचर हैं जैसे कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में देखा था, फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था और उनके छोटे से गार्डन या छोटे से स्कूल के अंदर वो पहुंच चुका था ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या है पैंट करते हुए हाफते हुए इतना भाग के आया बेचारे की सांस फूलने लग गई थी अब भागते भागते वो वहां पर पहुंच तो गया था बट फिर क्या हुआ यूजली वेन स्कूल बिगैन देर वॉज अ ग्रेट पासल यार जब भी स्कूल शुरू होता था यूजली काफी ज्यादा बसल हुआ करती थी काफी ज्यादा शोरगुल हुआ करता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट इतना ज्यादा शोरगुल हुआ करता था कि आप उसे बाहर तक सुन सकते थे स्कूल के बाहर तक आवाज आती थी इतनी आवाज इतना शोर होता था हमारे स्कूल में द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क डेस्क को खोलना बैठना डेस्क को बंद करना ठीक है लेस रिपीटेड इन यूनाइजन इसके साथ में लेस जो कि बार बार यूनिजन या यूनाइजन में रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे बच्चे एक साथ बैठते थे और बैठकर एक साथ एप और ऐप सारे के सारे लोग मिलके एक साथ सारे बच्चे एक साथ मिलकर क्या करते थे लेसन रिपीट करते थे वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आ ईयरस to understand better. अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते थे और एकदम से एकदम एकदम repeat किया करते थे सारे के सारे lessons को उनको ऐसा लगता था इससे उनका concentration काफी अच्छा हो जाएगा और वो ज्यादा better तरीके से lesson को समझेंगे जोर जोर से बोला करते थे एंड टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल और टीचर टीचर बड़ा वाला स्केल लेते ले थे और बड़ा वाला स्केल लेके एकदम से एकदम से टेबल पर रैप करते थे जाके खोलीगंज सर <laughs> तो टीचर इस तरीके से अपने रूलर से रैप कर रहे होते थे या तो डांटते थे नहीं तो इट्स लाइक शांत करवाने के लिए या फिर करेक्ट करने के लिए बार बार टेबल पे इस तरीके से रैप करके और हमसे बात किया करते थे तो टीचर के ये रूलर को रैप करने की भी आवाज आया करती थी But now it was so still. इतनी सारी आवाजें होती थी जब स्कूल शुरू होता था पर आज तो सब कुछ शांत था आज सब कुछ ठहरा हुआ था आई हैड काउंटेड ऑन द get टू गेट टू without डेस्क विदाउट पर मैंने तो पूरा भरोसा इस कमोशन पे इस शोरगुल पे दिखाया था मैंने ये सोचा था कि क्योंकि स्कूल के अंदर इतना ज्यादा शोरगुल होगा सारे लोग सारे बच्चे आराम से ऐसे ऐसे करके लेसन पढ़ रहे होंगे टीचर्स बच्चों से बात कर रहे होंगे उन्हें डांट रहे होंगे मार रहे होंगे मैं छुपके से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाऊंगा मैंने आई हैड काउंटेड ऑन काउंटेड ऑन का मतलब होता है भरोसा करना मैंने तो इसी पे भरोसा किया था कि मैं चुपके से जाकर बैठ जाऊंगा और कोई मुझे नोटिस भी नहीं करेगा ठीक है तो काउंटेड ऑन मतलब भरोसा करना कमोशन टू गेट टू माई डेस्क सीन मतलब कमोशन पे मैंने भरोसा किया था कि मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा और कोई मुझे देखेगा भी नहीं बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग टू बी नहीं नहीं पर ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं उसी दिन उसी दिन भगवान जी जब मुझे चाहिए था कि बहुत ज्यादा कमोशन हो जाए और मैं चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाऊं उसी दिन आपने सारी चीजें संडे मॉर्निंग की जैसे शांत कर दी इतनी ज्यादा शांति थी जैसे कि संडे मॉर्निंग अब मैं कैसे जाऊंगा अपनी सीट तक मैं कैसे बैठूंगा अब वो बेचारा बोल रहा था हा हा आज ही के दिन तो ये सब कुछ इतना शांत होना था संडे मॉर्निंग लग रही थी लग रहा था छुट्टी के दिन तो नहीं आ गया स्कूल ओके यहाँ पे देखेंगे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग में ये जो एज क्वाइट एज है यहाँ पर भी एक लिटरी डिवाइस प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं सिमली एक ऐसा लिटरी डिवाइस होता है जिसके अंदर आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो और कंपेरिजन के लिए लाइक और एज का इस्तेमाल करते हो जब आप कंपेरिजन के लिए लाइक और एज का इस्तेमाल करते हो तो उससे हम क्या कहते हैं सिमली कहते हैं यहाँ पे वही हुआ है उस दिन की शांति को संडे मॉर्निंग वाली शांति के साथ कंपेयर किया एज की मदद से एंड दैट इज वाई यहां पे क्या प्रेजेंट है जल्दी से लिखो सिमिली वेरी गुड ओके थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देर प्लेसेस एंड एम हेम एल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिस्स चेरेबल आई एंड रूलर अंडर हिज आर्म अब मैंने खिड़की से देखा मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं और एम एम चक्कर काट रहे हैं अपने खतरनाक लोहे के स्केल के साथ में अपनी आम के अंदर दबा के अब क्या होता है ना जिंदगी के अंदर आपको आपके दोस्तों के साथ पनिशमेंट मिल जाए नहीं तुम और तुम दोनों चलो क्लास के बाहर जाओ खड़े हो जाओ बाहर जाके वो तो पनिशमेंट पनिशमेंट ही नहीं लगती यार मतलब अगर दोस्तों के साथ पनिशमेंट मिल जाती है तो मजे आ जाते हैं कि बढ़िया हो गया यार अब तो मजे हो गए गया।, गया क्लास पर अगर यहीं पे ये पनिशमेंट अकेले आपको मिले ओ हो एकदम हेल लगता है ऐसा ही कुछ था अब वो बेचारा ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था उसने देखा खिड़की से सारे के सारे क्लासमेट्स उनकी जगह पर बैठे हुए थे ये देखकर उसको और डर लग रहा था आज मैं अकेला पिटूंगा देखना मैं अकेला पिटने वाला हूं अब इतना ही नहीं सारे क्लासमेट्स अपनी जगह पे तो थे ही थे हमारे एम एम जो है चक्कर काट रहे थे एकदम यूरो अपने आयन रूलर को लेकर एकदम ऐसी 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 चक्कर काट रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे आज बस इसी स्केल से मेरी पटाई होने वाली है दोस्तों देख लो स्केल को इस स्केल पे मेरी मौत लिखी हुई है यहाँ पर एकदम ऐसा हो रहा था तो अभी यहाँ पे वो देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था I had to open the door and go in before everybody। अच्छा ये बात तो एक बार को इंसान फिर भी झेल ले कोई दिक्कत नहीं है कोई बात नहीं बट इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जिंदगी में ये होती है कि सारे के सारे लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और ये सारे बैठे हुए लोग जो हैं इन सारे बैठे हुए लोगों के सामने से आपको चल के जाना है जब आपको दरवाज़ा खोलना होता है क्लास का और वहां से आपके दरवाजे से आपकी सीट तक जाना होता है और सारे लोग आपको देख रहे होते हैं जाने वो से होता। और कोई उसे क्यों होता है एकदम ऐसा ही था कि दरवाजा खोलना था और दरवाजा खोल के सबके सामने से मेरे को जाना था यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लड आई वॉज तुम सोच सकते हो मैं कितना शर्मा गया था यार मेरे को कितनी शर्म आ रही थी एंड एट द सेम टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था शर्म इसके लिए आ रही थी क्योंकि सब मुझे देख रहे थे और डर इसके लिए लग रहा था क्योंकि एम हेम सबके सामने बस अब मेरी सुताई करने वाले थे बस मैं पिटने वाला था बस आई बट नथिंग मैं इतना डरा हुआ था इतना सहमा हुआ था पर कुछ हुआ ही नहीं कुछ भी नहीं हुआ एम हेम एल एंड सेड वेरी काइंडली एम एम एल ने मुझे देखा और मुझे देखकर बड़ी ही प्यार से बड़ी ही काइंडनेस के साथ बोले गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर विदाउट यू, प्यारे फ्रेंड्स, जाओ और जाकर अपनी सीट पर बैठो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे फ्रेंड्स फ्रांस क्या क्या बोला आपने, प्यारे फ्रेंड्स? उसने बोला यार मेरी पिटाई होनी चाहिए थी मैं स्कूल लेट आया हूं और इन्होंने मेरे को यह बोला है कि प्यारे जाकर अपनी सीट पर बैठो हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे क्या हो क्या रहा है यार ऑलरेडी यहां पे समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था और अभी तो फ्रांस का काफी ज्यादा सरप्राइजेस जो है वो इंतजार कर रहे थे okay. हाय अक्षत हाय इकबाल वाव अक्षत हाय अंशु हाउ आर यू क्या हाल है राजेश यस, बट आई विल शेयर अ स्केड्यूल विद यू आई मीन आई कैन नॉट प्रॉमिस डेली बट मैं रेगुलरली क्लासेस लेने वाली हूँ लाइव क्लासेस आपके लिए लगाने वाली हूँ डेली इसके लिए नहीं क्योंकि बाकी आपके जो जूनियर्स हैं उनकी भी क्लासेस मैं लगाऊंगी तो मैं कम्युनिटी uh, पे एक स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दूँगी अकॉ विथ टाइम तो आप उस टाइम पर आ जाइएगा एंड मैं सेशनस भी क्रिएट करके रख दूँगी तो आप क्लिक uh, करके और उन्हें नोटिफाई मी पे क्लिक करके और रख दीजिएगा ताकि आप वो मिस ना करें हाय नेचर हाय सुमन हाय पहेली देखो इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बुक भी चेकआउट कर सकते हो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने आपके लिए इसका एक फ्री टेस्ट भी क्रिएट किया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगी अभी तक अपडेट किया नहीं है तो आपको टेस्ट भी दे सकते हो आपको पता चल जाएगा उससे कि आपने कैसा परफॉर्म किया है एंड ऑल्सो आपने ये जितना भी टाइम आप मुझे दे रहे हो इस टाइम में कितना कुछ सीखा आपको एक चैप्टर कितना क्लियर हुआ ऑल राइट हाई हाई एवरी वन थैंक यू हाय नेचर हाय नित्या हाय उज्जवल हाय मानव एग्जैक्टली मैंने ये जो क्लास लगाया है ये ये सोच के कतई नहीं लगाया है कि आपने इसे पहले पढ़ लिया है ठीक है मुझे पता है कि आपने ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ रखा ठीक है तो यही सोच के लगाया है तो इसको आप समरी मत समझिए Uh, आप आराम से इस चैप्टर के भरोसे टेस्ट दे सकते हैं एग्जाम दे सकते हैं एंड पूरा एनसीआर अगर आप साथ में खोल बैठेंगे तो काफी बेनिफिट आपको हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर तो खुला हुई है अगर आपको कोई भी मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कुछ भी आप लाइन चाहते हो मैं रिपीट करूं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आई विल रिपीट अच्छा तो यहां पर उन्होंने ये बोला बोला हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे अब देखो आगे क्या हुआ I jumped over the bench and sat down at my desk. अभी यहां पर मैं कूदा और कूद के बैठ गया अपनी बेंच पे और जैसे मतलब मत बेंच को मैंने कूदा और कूद के मैं बैठ गया अपने अपनी सीट पे तो बोला कि मैं अपनी सीट पर बैठ चुका था आराम से कि ठीक है अभी 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 मेरे को डांटनी पड़ी है अभी ठीक है देखते हैं क्या होता है नॉट इन दन एट गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड अब यार ये ऑलरेडी अपने घर से डर के माहौल में निकला था इसे पक्का पता था कि इसकी पिटाई नहीं हुई है, तो ये कह रहे है कि जाकर सीट पर बैठो प्यारे फ्रेंड फिर भी अभी अभी उसका डर शांत हो रहा था धीरे धीरे उसका डर शांत हो रहा था पूरी तरीके से वो डर से निकल नहीं पाया था और जब वो अभी भी थोड़ा सहमा हुआ था उसने नोटिस किया डिड आई सी दैट आर टीचर the लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल embroidered दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज days? अभी तक तो पूरी तरीके से अपने डर से बाहर तक भी नहीं आया था मैं और इतने भी मैंने देखा कि मेरे टीचर ने पहन रखा था उनका खूबसूरत ग्रीन कलर का कोट और फ्रिल 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 वाला पूरा शर्ट उन्होंने पहना हुआ था ठीक है एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप लगाई हुई थी और ये सब कुछ पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी अरे ये तो एम एम एल के कमाल वाले कपड़े थे ये वो वाले कपड़े थे जो एम एम एल सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पर ही पैरा करते थे यार हम स्कूल जाते हैं हम टीचर्स को इतना अच्छे से जानते हैं ना कि हम उनकी पूरी वो समझ जाते हैं हमें पक्का पता होता है कि उनके पास कौन कौन से कपड़े हैं और वो कौन से कपड़े कहाँ पर पहनते हैं इतना अंदाजा लग जाता है कि कभी अगर हम कोई नया ड्रेस कोई नया सूट एक नई साड़ी महसूस कर लेते हैं ना मेरे कह रहे वाह आज कोई फंक्शन है क्या मैम आज कोई फंक्शन है क्या सर इतना बढ़िया करेक्शन हमारा होता है ऐसा ही यहाँ पर भी था उन्होंने कहा यार ये तो एमएमएल के वो वाले कपड़े हैं जो ये इंस्पेक्शन पे पहनते हैं और प्राइज पे पहनते हैं आज ये कपड़े कैसे पहन के आए हैं कोट और शर्ट भी पहना है टोपी भी लगाई है हाँ आज क्यों पहना है इन्होंने ये सब कुछ ऐसा वो सोच में पड़ गया था है ना होता है ना ऐसा रिलेटेबल है ना ये चीज ऐसा होता है कितनी बार होता है स्पेशली पीटीएम्स पे तो हंड्रेड परसेंट होता है मैं हमेशा कहती हूँ पीटीएम्स पे दो लोग बहुत सजे धजे होते हैं एक तो आपके क्लास टीचर और दूसरी आपकी मम्मी पापा पापा नॉर्मल जाते हैं पापा कहते हैं कहते क्या सजना दजना जब बेजती करानी है वहाँ पे और आप पिटने के लिए तैयार जाते हो कि आ गए हा? मेरे मौत का तमाशा देखने सज धज के एकदम ऐसा तो एकदम उतनी तैयार होकर एम एम एल भी आए थे देखते हैं आज क्या होने वाला था बिसाइड अच्छा बच्चों आपने नोटिस किया होगा बिसाइड beside और बिसाइड्स ये दोनों आपको पता है इन दोनों में ये एस का फर्क इनके मीनिंग को चेंज कर दे रहा है आप देख रहे हो यहां पे बिसाइड्स ये जो बिसाइड्स है इसका मतलब होता है अडिशनली अडिशनली किसी चीज के ऊपर अगर हम कोई चीज और ऐड कर रहे हैं कोई चीज ऐड कर रहे हैं कोई चीज है, और बता रहे हैं तो हम बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं जबकि बिसाइड का मतलब होता है बाजू में बाजू में इज बिसाइड तो बोला कि यार एक तो यहाँ पर ये साथ, मेरे टीचर ऐसे वाले कपड़े पहनकर आए थे हाँ एकदम खतरनाक इंस्पेक्शन और प्राइज डे वाले और उसके ऊपर से उसके ऊपर से the whole school seemed so strange and solemn. उसके ऊपर से पूरा का पूरा स्कूल इतना strange लग रहा था इतना अजीब लग रहा था इतना सोलम यानी कि इतना सीरियस लग रहा था ये सारे लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे थे यार But thing that that surprised me most was to see on the the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. बोला, ये सारी चीजें तो मुझे surprise पे surprise दे रही थी पर सबसे गहरा सरप्राइज जो मुझे मिला ना वो मिला विलेजर्स को देख के हमारी जो बैक बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी हमारी बैक बेंचेस जहां पर कोई नहीं बैठता था आज उन बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे हुए थे ये विलेजर्स क्या कर रहे थे स्कूल के अंदर और वो बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हुए थे हमारी तरह जैसे कि हम बैठते बच्चों की तरह ओल्ड हॉजर थ्री कॉर्नर है मेयर द फॉर्म अ पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड बोला इतने सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे सारे लोग मान लो ओल्ड हाउसर आया हुआ था अपनी यू नो वो त्रिकोणी हैट पहन के ठीक है हमारे पुराने वाले मेयर आए हुए थे पुराने वाले पोस्ट जी आए हुए थे और ऐसे ही न जाने कितने सारे और भी लोग थे सबसे अच्छी चीज़ गांव की आपको पता है क्या होती है वहां पे ना हर एक इंसान गांव इज लाइक अ फैमिली आप हर किसी को जानते हो लाइक अगर कोई गांव में अकाउंटेंट है लाइक अकाउंटेंट जी अरे सरपंच जी अरे पोस्ट मास्टर जी अरे मेयर जी अरे आप जानते हो उनको अच्छे से अरे डॉक्टर साहब <laughs> एकदम आपको पता है कौन 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 आप उनको उनके प्रोफेशन से अरे मास्टर जी। यहाँ पर भी ऐसा ही था बोला ये ये सारे पोस्ट मास्टर ये, ये सारे सारे लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए थे ये हमारे हमारे विलेज के लोग सारे इधर ऐसे हमारे तरफ क्यों बैठे थे जैसे बच्चे बच्चे पढ़ते हैं वैसे बच्चों की तरफ क्यों बैठे थे हम सॉरी एवरी बॉडी लुकड सैड एंड हॉजर हैम्ब एट दी एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिस्स नीज विथ इज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग क्रॉस द पेजेस सारे लोग बहुत सैड दिख रहे थे और हॉजर तो एक पुरानी प्रेमो यानी कि ए बी सी डी वाली बुक भी लेकर आया था उस बुक की हालत इतनी खराब हो गई थी थम्ड एट दी एज मतलब वो एजिस कोनों से फटी हुई थी डैमेज थी फटी हुई थी उसने उस किताब को अपने नीज पर अपने लैप पर खोला हुआ था और उसके बीच में अपने बड़े से चश्मे रखे हुए थे अपने बड़े से चश्मे रखे हुए थे और अपनी लैप पर उसे खोला हुआ था क्योंकि अब वो भी उसको पढ़ने यहां पर आए थे ठीक है तो अभी ऐसा हुआ बोला कि अभी ऐसे सारे पेजेस पे अक्रॉस द पेजेस उन्होंने वो स्पेक्टिकल रख दिया वाइल्ड आई वॉज वॉन्ड्रिंग अबाउट इट ऑल

उसी सीरियस और जेंटल टोन में वही टोन जिससे उन्होंने बोला था प्यारे फ्रेंड्स जल्दी जाओ अपनी सीट पर बैठो हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे उसी टोन के अंदर वो खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा माय चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू मेरे बच्चों आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें इंपार्ट करने वाला हूं द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सैस एंड लोरेन ऑर्डर आया है बर्लिन से कि के केवल और केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी एलसैस और लोरेन के स्कूल्स में ये पूरा चैप्टर फ्रैंको प्रशियन वॉर के बैकग्राउंड में है और एल्सास और लोरेन नाम के डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएटेड है वो हमें चैप्टर के यहां से पता चलता है एल्सास और लोरेन जहां पे प्रशिया ने अपना धावा बोल दिया था अपना बना लिया था वहां पे उनके नो बर्लिन से एक ऑर्डर निकाला गया था और ऑर्डर यही था कि अब एल्सास और लोरीन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी उनकी खुद की भाषा यानी कि फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी ठीक है अब क्योंकि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी तो एम फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे तो एम का ये आखिरी लेसन हो गया उन्होंने आगे कंटिन्यू किया द न्यू मास्टर कम्स टूमारो तुम्हारे जर्मन के जो टीचर है वो कल आने वाले हैं वो कल आएंगे और तुम्हें जर्मन पढ़ाना शुरू कर देंगे दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है मेरे साथ में आखिरी बार तुम पढ़ रहे हो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में फुल ऑन अटेंशन के साथ में पढ़ो सो so, क्या होता है एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी एक इंसान या एक कंपनी uh, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंट्री यूज़ कर सकती है किसी दूसरे पर्सन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री को तोड़ने के लिए वो है उसकी उससे उसका कल्चर छीन लो उससे उसकी आइडेंटिटी छीन लो क्या होता है बहुत बार हम बहुत खुश होते हैं हम लोग ने क्या किया है हमेशा से वेस्ट को पूजा है हम हमेशा से क्या करते हैं वेस्ट की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि आज हम इस बात की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है और इसीलिए लोग अपनी खुद की संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं बट अदरवाइज हम लोग बहुत ही ज़्यादा वेस्ट की तरफ इंक्लाइंड थे इसकी वजह से हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर रहे थे और ये जो है ये गलत चीज़ है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम एज अ कंट्री बहुत वीक दिखते हैं हम अपने आप को भारतीय कह कहेंगे कैसे अगर हमने हमारी भारतीय संस्कृति को कभी पूजा ही नहीं या हमने कभी भारतीय संस्कृति को उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जब हम यहाँ पर कॉलोनाइजेशन के बाद में हम खुद वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या ही और हमसे कोई एक्सपेक्ट करेगा ऐसे में हम लोग अपना कल्चर अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ था यहां पर क्योंकि एसाज और लोरेन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट कुछ ऐसे एरियाज़ पे प्रशिया ऑलरेडी जीत हासिल कर चुका था तो प्रशिया ने अपना राज शो करने के लिए अपना कल्चर अपनी लैंग्वेज उन पर थोपना शुरू कर दिया अपनी लैंग्वेज उन लोगों पे इसलिए थोपी क्योंकि ना ये बोलेंगे फ्रेंच और ना रहेंगे ये फ्रेंचमैन इनसे इनकी भाषा इनकी आइडेंटिटी इनका कल्चर ही छीन दो और इन्हें बता दो कि अब हमारी हुकूमत है और हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा जब आप अपनी भाषा को किसी और पे थोपते हो तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म यहां पर वही हो रहा था लिंग्विस्टिक शोविनिज्म था मेरी भाषा महान है जर्मन महान है और सब लोग जर्मन बोलेंगे लिंग्विस्टिक शोविनिज्म जब आप अपनी लैंग्वेज को डोमिनेटिंग लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हो दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हो इन ऑर्डर टू ब्रेक समवन कल्चर ट्रेडिशन आइडेंटिटी ऑल राइट वॉट अ थंड्राफ दीज वर्ड टू मी फ्रेंच बोले ओ हे मां माताजी ये क्या हो गया एक मिनट फ्रेंच नहीं सीखनी फ्रेंच नहीं बोल सकते जर्मन सीखनी है अब जर्मन बोलेंगे एमवीएल जा रहे हैं आज आखिरी लेसन है कल जर्मन का टीचर आएगा अब से जर्मन पढ़नी है कि क्या हो रहा है मैंने स्किप कर दिए क्या दो तीन साल मेरी जिंदगी के ये कैसे हो रहा है कल जब मैं सोया था तो सारी चीजें नॉर्मल थी आज सुबह उठते उठते ये जर्मन कहाँ से आ गया ये जर्मन टीचर कहाँ से आ गया ये बहुत बड़ा सरप्राइज था उसके लिए इट इज लाइक अ शॉक टू हिम क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट आई देयर देन Oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs, or going sliding on the sar my, my, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my, my history of saints, were old friends now that I couldn't give up. Bobolta. <laughs> उन लोगों ने वो वो उन लोगों ने ये ऑर्डर लगाया था वो बुलेटिन बोर्ड पे इसलिए बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ थी अच्छा ये लगा हुआ था नोटिस बोर्ड पे अब समझ में आया ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है क्यों अभी तो मैंने लिखना भी नहीं सीखा था क्या मैं और नहीं पढ़ सकता क्या आज के बाद मैं कभी नहीं पढ़ूंगा क्या मुझे आज ही रुकना पड़ेगा मुझे बहुत बुरा लग रहा था मैं बहुत पछता रहा था मैं बहुत रिग्रेट कर रहा था रिग्रेट कर रहा था क्यों नहीं पढ़ाई करी मैंने क्यों नहीं अपने पे फोकस करा क्यों अपना टाइम बर्बाद किया सिर्फ मैंने कभी टाइम बर्बाद कर देता था बर्ड बर्ड्स के एग्स को देखने के लिए बर्ड्स के एग्स को सीख करने के लिए या फिर चला जाता था नदी पे स्लाइड करने के लिए सार इज फ्रेंच रिवर फ्रांस में एक रिवर स्लाइडिंग के लिए चला जाता था मैं क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा था और और, और ये ये किताबें, जो किताबें हैं जो मुझे बकवास लगती थी, जो मुझे बकवास लगती थी कुछ ही टाइम पहले बोझ लगती थी मुझे मुझसे उठती भी नहीं थी ये किताबें ये किताबें मेरी 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 ग्रामर मेरी हिस्ट्री ऑफ सीन्स सब चला जाएगा ये सब चला जाएगा किताबें आज मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड की जैसे लग रही थी एक पुराने दोस्त की जैसे लग रही थी जिसे मैं जाने नहीं देना चाहता था जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था आज फ्रेंड्स को पछतावा हो रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि यार उसने अभी तक क्यों नहीं पढ़ाई करी उसने क्यों इतना टाइम प्रोक्रेसिनेशन में वेस्ट किया उसने उसने क्यों अपना टाइम इधर उधर पास किया क्या होता है हमारी एक टेंडेंसी होती है हमारा एक नेचर होता है हम चीजों को कल पे कल पे कल पे टालते रहते हैं बट आपको पता नहीं है कि हर सुबह हमारे लिए कुछ नया लेकर आती है और नहीं पता है कि कल की सुबह ने हमारे लिए क्या स्टोर किया हुआ है जो आज करना है वो आज ही करना है कल का किसी को कुछ नहीं पता है हम इस चीज को भूल जाते हैं और ऐसा होता है फिर दुनिया के अंदर सबसे बेकार फीलिंग ना पछतावे की है क्योंकि उसका ना कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में जो वक्त गुजर गया जो करना चाहिए था और जो नहीं किया वो वापस नहीं आ सकता अगर आप उसे आज करते हो तो वो डिफरेंट ही होगा और वही पछतावा फ्रांस को हो रहा था उसे लग रहा था उसने इतना टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया है और उसके हाथ से उसकी मदर टंग जा रही है वो अपनी मदर टंग को अब और नहीं सीख पाएगा एक और ह्यूमन टेंडेंसी यहां पर हाईलाइटेड है और वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमारे पास कोई एक चीज अबंडेंस में होती है जब हमारे पास कोई एक चीज़ बहुत सारी होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते जब कोई एक ऐसी चीज होती है जो हमसे दूर होती है हमारे पास नहीं होती है तब हम उसे चेज करते हैं ऐसा होता है ना कोई एक चीज को हम चेज करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है जब वो हमारे पास होती है ढेर सारी होती है तो हमारे को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है और जब कोई एक चीज चली जाती है हमसे दूर तो पता नहीं क्यों उसकी इंपॉर्टेंस उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ जाती है यह भी एक टेंडेंसी है आज उसके पास खूब टाइम था एम यहीं पर थे एम उसे पढ़ा रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का खूब टाइम था पर उसने आज तक कभी इस बात पे फोकस नहीं किया आज तक कभी भी उसने फ्रांस फ्रे, यू नो में रहकर फ्रेंच को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी अपनी मदर टंग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी ना अपने टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस दी बट आज जब उससे वो छीन लिया गया था उसका लैंग्वेज छीन लिया गया था तब सडनली उसको ये सबसे इंपॉर्टेंट लग रही थी ये किताबें जो आज तक उसे बेकार लग रही थी आज उससे किताबें जब छीनी जा रही थी उसे सबसे इंपॉर्टेंट लग रही थी कि नहीं नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये किताबें कहीं नहीं दूंगा ओके एंड द दैट ही गोइंग अवे

इस आइडिया से मैं सब भूल गया था मैं भूल गया था कि वो कितने मैं उनके 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 स्केल के बारे में भूल गया था जिससे वो मेरी पिटाई करते थे ना मैं उस स्केल के बारे में भूल गया था मैं भूल गया था कि वो कितने क्रैंकी थे कितने ज्यादा एरोगेंट थे घमंडी गुस्से शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सा करती रहती थी सब पे चिल्लाते रहते थे मारते रहते थे भूल गया था ये चीज के बारे में कि मेरे को वो पसंद नहीं थे मैन It was in honour of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. Bichari Memel Achato last lesson ko honor karne ke liye इस खुशी के अंदर इस उपलक्ष के अंदर इसे ऑनर करने के लिए अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए ही उन्होंने नॉट खुशी बाय द वे उन्होंने इसीलिए अपने फाइन संडे क्लोथ्स यानी कि अपने बेस्ट क्लोथ्स पहने थे अब मुझे समझ में आ रहा था कि विलेज के ओल्ड मैन क्यों बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे अब मुझे समझ में आ रहा था कि विलेज के ओल्ड मैन वहां पर क्यों बैठे हुए थे और सब इतने सैड क्यों लग रहे थे It was because, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है पी वाई क्यू है मार्क कर लीजिए ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि आखिरकार ये जो विलेजर्स थे ये विलेजर्स वहां पर क्यों आए थे और बैक बेंचेस पर क्यों बैठे थे ठीक है तो यहां विलेज विलेजर्स यहां पर क्यों आए थे तीन रीजन है इट वॉज बिकॉज were सॉरी पछतावा रिग्रेट इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी वो पछता रहे थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर कि वो लोग भी स्कूल नहीं आए थे बहुत बार उन्होंने भी स्कूल मिस कर दिया वो भी स्कूल नहीं आए उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ी उन्होंने भी एजुकेशन को ग्रांटेड लिया पछतावा ओके एंड इसके बाद में इट वॉज देअर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर इज फोर्टी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस ये उनके लिए क्या था ग्रैटिट्यूड था इट वॉज देयर वे ऑफ थैंक और मास्टर रिग्रेट दूसरा ग्रेटिट्यूड वो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आए थे वो मास्टर को यानी थैंक यू बोलने आए थे किसके लिए थैंक यू आए थे चालीस साल की फेथफुल सर्विस के लिए चालीस साल की फेथफुल सर्विस के लिए थैंक यू बोलने आए थे कि आपने चालीस साल तक हमें सर्व किया है थैंक यू सो मच हम बहुत ग्रेटफुल हैं एंड ऑफ शोइंग देर रिस्पेक्ट द कंट्री दैट वॉज देर इज नो मोर और तीसरा वो रिस्पेक्ट शो करने आए थे अपनी तरफ से अपनी अपना प्यार शो करने आए थे अपने नेशन को अपनी कंट्री को जो अब उनकी नहीं रही थी तो अपनी नेशन के लिए अपनी कंट्री के लिए उस प्यार को शो दिखाना चाहते थे जो वो, जो आज तक वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे क्योंकि अब वो देश उनका नहीं रहा था और आज वो दिन था जब वो क्लियर हो गया था उनसे उनकी आइडेंटिटी भी छीनी जा रही थी है ना? सो so, ये अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से खुलासा हो गया है कि आखिरकार स्कूल के अंदर इतने सारे चेंजेस क्यों थे फ्रांस को आज डांट क्यों नहीं पड़ी थी और सबके अंदर एक अलग इमोशन आ गया है एक ह्यूमन टेंडेंसी हमने यहाँ पर देखी है कि किस तरीके से अब अंडेन्स जब किसी चीज़ की होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है इसके साथ साथ में हमने ये भी नोटिस किया है कि हमारी आदत होती है चीज़ों को कल पे टालने की है ना फ्रांस ने सोचा यार कल मैं सोया था तब तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी फ्रेंच पढ़ रहा था सारी लाइफ एकदम सही चल रही थी आज उठाऊँ तो यहाँ पर क्या चल रहा है जमन हो रहा है कल नए टीचर आ जाएंगे एम एम जा रहे क्या चल रहा है क्योंकि लाइफ के अंदर ना कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है हम हमेशा क्या सोचते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं हमें ऐसा लगता है कि बस अब लाइफ में कुछ और तो कुछ होने ही वाला नहीं है कुछ नया तो कुछ होगा ही नहीं और बस हम अपने हिसाब से प्लान करके प्रोक्रेस्टिनेट करके जिंदगी चला रहे होते हैं बट देन यू नो लाइफ की टर्न्स एंड अप्स एंड डाउन भी एक चीज होती है लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होती है जिसे हम बहुत बार अवॉइड करते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास में और भी बहुत अच्छा पार्ट ऑफ चैप्टर बचा हुआ है जहां पर हम लोग पूरा फेयरवेल जो है एमएमएल को देने वाले हैं एंड मैं उसके अंदर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने वाली हूं मैं नहीं चाहती हूं कि मैं जल्द 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 उसको जल पढ़ा दूँ खूब टाइम है हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को हम कम्प्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया यहाँ तक आपने जितना भी चैप्टर पढ़ा यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं है आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आपको सब आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा है ना और अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक मुझे जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाइव जो होगा मोस्टली हम लोग कल ही कर लेंगे मैं आपको बता दूंगी नहीं तो कम्युनिटी पे उस पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप टेस्ट जरूर देंगे ऐप्सोल्यूटली फ्री एक बार चेक कीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया एंड नोट्स आप डाउनलोड करेंगे जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे टेलीग्राम से जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाय तनीषा अंश मोस्टली कल 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 लगा देती हूँ आप लोग बिजी नहीं है ना आशुतोष आपकी क्लास भी लगा रही हूं आज मैं बच्चों को यही बता रही थी कि डेली क्लास नहीं हो पाएगी क्लास ट्वेल्थ की क्योंकि आपके जूनियर्स यानी कि टेंथ और इलेवेंथ वाले बच्चे भी हैं हाय रवि अपलोड नहीं होगा राजेश हम लोग लाइव क्लास ही लगा लेंगे तो आप आराम से यहां पर बैठकर मेरे साथ में ही पढ़ना एंड टू एंड कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मैं टोटली आपको बता दी मैं ये वर्ड मीनिंग नोट्स पे अटैच करके दूंगी बेटी बेटा डोंट वरी हाय तनिषा वाओ स्टारी आईज अरे मेरी प्यारी तुलसी गारेट थैंक यू सात्विक आई विल प्रोवाइड सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स आपको सारे वर्ड मीनिंग्स प्रोवाइड करूंगी जो भी बातें बीच में बताई है आपको वो नोट करनी है नहीं अगर आपने करी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी डोंट वरी तनीषा 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 मुझे याद है क्या तनिषा देर आर four फोर one वन इज फ्रॉम सिम्बा हमारे सिम्बा बैच की सी यू टी के अंदर तनिषा आई मिस यू टू फार्म यू कैन बेसिकली इंग्लिश के अंदर यू कैन गो थ्रू वन शॉट्स उससे आपका काम हो जाएगा इंद्रजीत हंड्रेड परसेंट अच्छा विमेन वाली गाडेड हाय तनिष्क हाय शालिनी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट लीना, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बैच हाँ देखो मैंने एक्चुअली सारे बैचेस का नाम रखा था हमारे पास में एक सिम्बा बैच था पिछला बैच वॉज द एवेंजर बैच आपके बैच का नाम भी मैं सोचूंगी पर आपके पास में अगर कुल cool सजेशंस हो तो प्लीज मुझे बिल्कुल बताना नीचे कमेंट सेक्शन में तो एकदम बेस्ट वाला जो नाम होगा ना वही रख लेंगे है ना और एक छोटा सा आपसे मदद ज़रूर चाहती हूँ आपका सपोर्ट ज़रूर चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को जितने आपके दोस्त हैं उनको ज़रूर रेकमेंड कीजिए वीडियो जो है ऐसा ही समझ के शेयर कीजिए जैसे कि आपका ही चैनल है क्योंकि ये तभी जाकर वो काफ़ी लोगों तक जाएगा और मुझे भी वो मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए रेगुलरली लाइव क्लासेस लाऊं और आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाऊं तो वो मुझे बहुत मदद करेगा बहुत मोटिवेट करेगा और मैं अपना 100, 200, 500 परसेंट दूंगी इसका मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको कहीं पर भी कोई कमी नहीं मिलेगी अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो इतना प्रॉमिस मैं आपसे कर देती हूँ कि आपके पास में आपको जितना आता होगा इंग्लिश के अंदर आपको जिन जिन चीज़ों की नॉलेज होगी आपके पास जो कॉन्टेंट होगा वो देश भर के अंदर किसी के पास नहीं होगा ये चीज़ की मैं अश्योरेंस आपको दे सकती हूँ ठीक है आई होप आपने आज का लेक्चर इन्जॉय किया होगा ये इस सेशन का पहला लाइव सेशन था और मैं नेक्स्ट लाइव सेशंस भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई लव यू गाइज ड्रॉप योर नेम सजेशंस फॉर द बैच इन द कॉमेंट सेक्शन आई विल सी यू